आपको पता है पेड्री एंड गावी जो कि यू नो स्पेन के फ्यूचर हैं, वो साल में या सीजन में कितने मैचेस खेलते हैं? ओके, आपको शायद पता होगा या नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, 50 से 60 मैचेस खेलते हैं इंटरनेशनल क्लब सब मिला के 50 से 60 मैचेस जो है खेलते हैं। और हमारी अंडर 19 की टीम जो कि अभी परास्त, अंडर 17 की टीम जो कि हमारी जापान से हार चुकी है इन वेरी गोल फेस्टिंग मैच, और अभी वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और एएफसी एशिया कप से भी बाहर हो चुकी है, आपको लग रहा है उनको उतने मैचेस मिलेंगे फॉर द डेवलपमेंट? और हम एज ए इंडियन फैन एक्सपेक्ट करते हैं कि यूरोपियन लेवल पे हमें खेलना है, और डू यू थिंक हमारी अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20 के टीम को या प्लेयर को उतनी मैचेस मिलती है जितनी यूरोपियन कंट्रीज के प्लेयर्स को मिलता है फॉर द डेवलपमेंट? आई डोंट थिंक सो, राइट? यस, एंड देयर वाज अ प्रोसेस पहले था AIFF के तरफ से, जिसमें ये टीम जैसे अंडर 17 अभी हार चुकी है और उनके कोई मैचेस नहीं है, टूर्नामेंट्स नहीं है, उनको खेलने को चांस मिलता था, बट सडनली उसको बंद कर दिया गया। I really don't have any clue on that के किस लिए और क्यों इसको बंद किया गया है, बट आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बंद नहीं किए होते तो क्या होता और बंद करके क्या क्या फायदा और नुकसान हो रहा है। Everything we are going to cover it up. So please don't forget to smash Professor Kalinga subscription button and hit the like button and share to all Indian fans, because Indian fans should know this truth. की बात थी जब बॉब हमारे यू नो कोच थे, इंडियन हेड कोच, उन्होंने नोटिस किया कि भाई एक अंडर 19 और अंडर 23 की जो टीम है, जो भी टूर्नामेंट्स नो एएफसी या आईसीसी लेवल पे, सॉरी एएफसी या फीफा लेवल पे खेल रहे हैं, उसको छोड़ के उनके पास कोई मैचेस नहीं है, और इफ आई लीग में भी ज्वाइन कर रहे हैं, आई लीग के क्लब में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेंच में बैठे हुए हैं, क्योंकि 15-16 साल के बंदे, उनको कौन खिलाएगा क्लब लेवल पे, बताओ, जब तक वो हीरा नहीं है, मतलब एस्टोनिशिंग टैलेंट, तो उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा है। अब मुझे बात बताइए, जैक्सन संधु जैसे प्लेयर को इफ बेंच में ही वर्म करते और उनको चांस नहीं मिलता खेलने के लिए, तो आज वो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर पाते? नहीं। और आपको रियलिटी बताता हूं, संधु और जैक्सन जैसे प्लेयर को वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, उनकी आए क्लब में चांस नहीं मिलता, भाई उनके सीनियर प्लेयर है, तो कैसे उनको आई लीग में उनको चांस मिलेगा इन स्टार्टिंग 11? दे वोंट, राइट? तो डेवलपमेंट कहां से होगी? प्रैक्टिस से, रियली? तो बॉब ने AIFF को रिक्वेस्ट करके एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम के अंदर जो कि अंडर 17, 19, 18 की जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी आई लीग में खेलना चाहते हैं बट रेगुलर गेम नहीं मिल रहा है, वो वहां पे आते थे और वहां पे वो रेगुलर खेलते थे इन आई लीग एज ए टीम। और जो प्लेयर आप देख रहे हो ना, संधु, जैक्सन, आशीष राय, गेलो, योर कोटल, ऑल कमिंग फ्रॉम दैट सिस्टम एंड दैट कॉल एज इंडिया एरोज। दिस इज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव टेकन बाय द ओल्ड कमिटी। एक्चुअली मैं ओल्ड कमिटी को पूरी तरीके से पसंद नहीं करता हूँ, आई लव माई न्यू AIFF कमिटी, बट एक चीज पे मैं मतलब आई विल नॉट एग्री विद देम दैट व्हाई द हेल यू मैन क्लोज दिस इंडिया एरो इन 2022 एंड यू रिप्लेस विद रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग। अरे रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट का एजेंडा अलग है, प्राइवेट लीग है, एजेंडा अलग है, उसका सिस्टम और सब कुछ अलग है भाई, उसको इसके साथ कोई मतलब नथिंग। रिलायंस डेवलपमेंट रहने दो, रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग रहने दो, दैट इज एब्सोल्युटली गुड, और वो रहने दो, इंडियन एरो चाहिए, क्योंकि देखो ये जो अभी गांगते या जो भी हमारे टैलेंट है अभी अंडर 17 के, अभी मैचेस नहीं मिलेंगे, ISL टीम, आई लीग टीम ले तो लेगी, खिलाएगी नहीं, और ईशान पंडिता ऐसा हाल होगा। डू यू थिंक वी वांट ईशान पंडिता ऐसा टैलेंट वार्मिंग द बेंच? आई डोंट थिंक सो। वी नीड अ पेड्री गावी एटमोस्फियर, नॉट दैट बार्सिलोना एटमोस्फियर, बट द गेम टाइम। भाई जितना गेम खेलोगे तब बढ़ोगे, और जैक्सन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, नंदकुमार इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हमने देखा है ज्यादा मैच टाइम गेम टाइम मिलने के बाद, स्टार्टिंग में उतने अच्छे टैलेंटेड नहीं थे, बट हार्ड वर्क एंड बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड मैच गेम टाइम दे स्लोली डेवलप इनटू द प्लेयर फॉर द नेशनल टीम, राइट? सबको यू नो फर्स्ट लुक में टैलेंट नहीं दिखाते हैं, कुछ लोग जो है प्रैक्टिस और हार्डवर्क से बनते हैं, तो वो जैसे प्लेयर को कैसे हम डेवलप करेंगे? डू यू थिंक दिस इंडिया एरो इज द ओनली आंसर फॉर इट और समथिंग लाइक दैट? I desperately need AIFF to look at this and make do changes for this young star who will be our upcoming superstar. Please let me know your thoughts on the comment. That's it for today. Jai Hind.